आज के युवाओं में क्लीन शेव को छोड़कर बढ़ी हुई दाढ़ी वाला लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। पहले ऐसा समय था जब लोग क्लीन शेव दाढ़ी रखना पसंद करते थे, लेकिन अब समय काफ़ी बदल चुका है। समाज में मूछ और दाढ़ी को मर्दानगी की निशानी माना जाने लगा है। एक नए सर्वे के अनुसार ये देखने में आया है कि जिन लड़कों की दाढ़ी होती है, लड़कियाँ भी उन लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हैं। अगर मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो लोग दाढ़ी रखने वाले व्यक्ति को एडल्ट मैन मानते हैं। दाढ़ी उगाने के उपाय और तरीके क्या हैं, ये सवाल सबके मन में होता है। अगर आपका भी यही सवाल है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाना। हमारा टॉपिक ये था कि जवान होते ही लड़के दाढ़ी और मूंछ को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। दाढ़ी का आना हार्मोन्स पर निर्भर करता है। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है जो हमारे चेहरे के बालों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल सभी की बॉडी में अलग अलग मात्रा में होता है, इसीलिए किसी की दाढ़ी जल्दी आ जाती है तो किसी की दाढ़ी बाद में आती है। इसके अलावा हमारी हेयर ग्रोथ जेनेटिक्स पर भी निर्भर करती है, मतलब जिनके पेरेंट्स की हेयर ग्रोथ अच्छी होती है वो तो उनके बच्चों की हेयर ग्रोथ भी अच्छी होती है। दाढ़ी उगने की प्रक्रिया में धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं कि रातों रात बाल उग जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी जल्दी ही अपनी दाढ़ी को एक सही लुक दे पाएंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं दाढ़ी उगाने के उपाय की। आप अपने चेहरे की रेगुलर टाइम पीरियड पर मसाज करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तथा यह नई हेयर ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप अधिक से अधिक पानी पिए, पानी पीना हमारे चेहरे के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। अगर आप अच्छी दाढ़ी उगाना चाहते हैं तो अपने फेस की अच्छी तरीके से केयर करें। सुबह में और रात को सोते समय हमेशा चेहरे को धोकर सोएं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा चेहरा बहुत ही ऑयली रहता है और ऑयली स्किन पर गंदगी ज़्यादा लगती है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे चेहरे से जब खील मुहासे निकलते हैं तो उसमें से एक बाल भी निकलता है। इससे बचने के लिए आप हफ्ते में दो बार स्क्रब का उपयोग करें और याद रखें कि आपकी स्किन जिस टाइप की है उसी प्रकार के उसी अनुसार ही स्क्रब का प्रयोग करें। इसके अलावा आप अपने हफ्ते में एक बार चेहरे पर स्टीम फेशियल भी ले सकते हैं, इससे आपके चेहरे की गंदगी निकल जाएगी। अपने शरीर में विटामिन डी की मात्रा बढ़ाएं, इसके लिए आप विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं और अपने खाने में विटामिन डी वाले फूड लें, साथ ही भरपूर नींद लें और स्मोकिंग शराब जैसे नशों से दूर रहें, जिसके कारण आपकी दाढ़ी घनी बड़ी और एक बेटर लुक में आ सके। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें।